क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसी पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। तो आज से बात की शुरुआत करते हैं कि क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत में एक साथ होना चाहिए, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन विधि आयोग ने सिफारिश किया है कि भारत में खर्च बचाने के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ 2019 में करवा लेना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा, इस पर हम तो बात करेंगे ही, साथ में खास विश्लेषण होगा और विश्लेषण में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जरूरी है और इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। तो चलिए, भारत में 29 राज्यों में विधानसभा है और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली एवं पौंडीचेरी में भी विधानसभा है। विधि आयोग ने इसके पक्ष में जो तर्क दिया है वह यह है कि अलग अलग राज्य में विधानसभा के चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरा राष्ट्रीय महकमा उसमें लग जाता है और देश का विकास रुक जाता है। विधि आयोग ने भी माना है कि अलग अलग राज्य में चुनाव प्रचार होने के संबंध के समय में लोगों का समय भी बर्बाद होता है और भारत की जनता परेशान बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैलियां काफी हो जाती हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री को हर राज्य में कवर अप करना पड़ता है, प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। क्या इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? कई राज्य स्तरीय पार्टी ने इसके लिए खामी भर दी है। मसलन जेडीयू बिहार की प्रमुख पार्टी है, उसने कहा है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। बीजेपी के सहयोगी जो है पंजाब में अकाली दल, उसने भी कहा है कि चुनाव होना चाहिए। बोडोलैंड पार्टी जो है असम में, उसने भी कहा है। तेलंगाना राष्ट्र निर्माण पार्टी ने भी कहा है कि चुनाव एक साथ होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का चुनाव के साथ अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग सरकार को चुनते समय एक विचारधारा के साथ काम करेंगे, न कि बार बार लोगों को एक ही मुद्दे पर भटकाया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो राष्ट्रीय चुनाव होगा लोकसभा का और धीरे धीरे राज्य के चुनाव में भी वो मुद्दे हावी हो जाएंगे, और जब वो मुद्दे हावी हो जाएंगे तो जो विपक्षी महागठबंधन की बात हो रही है कि अलग अलग राज्यों में वो एक दूसरे के लिए सीट छोड़ देंगे, एंटी पोचिंग एग्रीमेंट करेंगे, तो इससे लाभ मिलेगा बीजेपी को। कैसे लाभ मिलेगा? ऐसा हो सकता है कि लोकसभा में सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लगे लेकिन अलग अलग राज्य में विधानसभा का चुनाव भी वो अलग अलग लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, और अगर एक ही बार दोनों चुनाव होगा तो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी और राज्यस्तरीय पार्टी को यह निर्णय लेने में काफी दिक्कत होगी कि वह महागठबंधन में जाना चाहती है या फिर अपनी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार को बचाने की कवायद करना चाहती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता, जम्मू कश्मीर, अयोध्या मंदिर, ये 3 मुद्दे के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में योजना चलाई जा रही है, चारों की बुनियाद पर चुनाव जीत सकती है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी का भी मानना है कि एक साथ ही चुनाव हो जाना चाहिए, इससे खर्च में कटौती आएगा। अब आपको हम एक गणित और समझाते हैं। 543 जो लोकसभा के सीट है, 543, उसके लिए चुनाव होता है, 2 नॉमिनेटेड होते हैं। 543 में भारतीय जनता पार्टी अब उन राज्यों में फोकस कर रही है जहां पर क्षेत्रीय पार्टी बहुत वर्षों से शासन कर रही है, और यानी कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी होने का चांस है। एंटी इनकम्बेंसी जो होने का चांस है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो बढ़त बना लेगी, क्योंकि वहां पर 2 फायदा है। एक तो लोकसभा की पूरी सीट में से लगभग 90% सीट लाने की उम्मीद होगी, और दूसरा राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि सरकार बना ली जाए, वोट का प्रतिशत बढ़ा लिया जाए। और इसलिए लॉ कमीशन ने ये सारी राजनीतिक पार्टियों को कहा है कि आप विचार कीजिए, अधिकांश क्षेत्रीय पार्टी इसके लिए तैयार हो जा रही है लेकिन महागठबंधन में जो पार्टी होगी वो इसके लिए तैयार नहीं होगी। उनके दिमाग में ये आएगा कि अगर हम साथ में चुनाव लड़ते हैं
तो लोकसभा चुनाव के तर्ज पर अगर राज्यों का चुनाव लड़ा जाए तो वहां पर हमें दिक्कत महसूस हो जाएगी। तो हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो हम आपको सटीक विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे जो है नए समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं और इससे फायदा क्या होगा। अब देखिए फायदे पर आते हैं, जो राष्ट्र को फायदा होगा, पहला फायदा होगा कि लोगों का समय बचेगा, बार बार सेना को अलग अलग राज्यों में जो भेजा जाता है वो एक ही बार में काम निपट जाएगा। तीसरा कि एक्सपेंसेस जो होती है चुनाव करवाने में एक बार में करोड़ों अरबों रुपया का, वो पैसा बचेगा। चौथा, एक बार जो एक मुद्दा होगा वो मुद्दा पूरे राष्ट्र में हो जाएगा और क्षेत्रीय चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दा हावी हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण फायदा होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, अगर एक ही पार्टी की सरकार सोचिए राज्य में और केंद्र में बन जाती है तो फायदा तो दिखता है कि सेंटर से फंड आएगा लेकिन मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार का नियंत्रण हो जाएगा और एक पार्टी की सुप्रीमेसी शुरू हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ सकता है। और कभी कभी तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इस पर जब कानून बनाने की नौबत आती है तो रूल है कि संसद के दोनों सदन से कोई भी विधेयक पारित करने के बाद 50% से अधिक राज्यों से भी पारित करवाना जरूरी। ऐसे में सवाल ये तो उठ जाता है कि क्या ये दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, कभी कभी जरूरी कामें होती हैं तो वो एक्चुअली में रुक जाता है क्योंकि राज्य में राष्ट्रीय पार्टी की सरकार नहीं होती है और जिसके चलते बहुत से अच्छे काम भी रुक जाते हैं। तो दोनों के पक्ष और विपक्ष में ये तर्क हमने आपको दिया है। आपको अगर लगता है कि एक साथ चुनाव करवाना चाहिए लोकसभा का और विधानसभा का तो हमारा नंबर है 9431156794। इसके कमेंट बॉक्स में आप व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं या हमारा जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए उन्हें ये लिखने की कोशिश करनी है कि ये क्या सटीक आंसर इसका होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों में आप आंसर लिख करके हम तक जरूर भेजिएगा। जो तो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।